हेलो गाइस, वेलकम टू योर। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो जैसा लोगों को पता ही मेंस का एग्जाम था, तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टेट वाइज इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको मैं बता दूं कि अभी IBPS क्लर्क का स्टेट वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी मैं ओवरऑल कुछ कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को जानने के बाद आप लोग खुद का स्टेट के बारे में खुद एनालिसिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने कई सारा चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन से स्टेट का वैकेंसी इंक्रीज है, कौन से वैकेंसी डिक्रीज है, अच्छा खासा डिक्रीज है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था, मिनिमम कट ऑफ कितना था, रेंज कितना है, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी लास्ट ईयर एंड दिस ईयर क्या क्या है, तो हर चीजों को मैं कंसीडर करके आज का ये सेशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखिए, फर्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा कि वैकेंसी, जैसे आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसी जो है वो अभी तक रिपोर्टेड जो है 5545। हालांकि RTI के थ्रू जो BOB का रिप्लाई आया था 1000 क्लर्कल वैकेंसीज का, उसका अभी तक स्टेट वाइज बाइफरकेशन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का अगर मैं क्लर्कल वैकेंसीज का बात करूं वो 6035 था। तो इस बार का वैकेंसी अभी तक 5545 है एंड अभी तक कई सारा बैंक वैकेंसी देना बाकी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बार का वैकेंसी लास्ट ईयर कंपैरिजन में ज़्यादा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा होने का तो चांसेस है, लेकिन इसमें बेनिफिट कुछ ज़्यादा होगा, जैसे हरियाणा का, बिकॉज हरियाणा एज ऑन डेट ये देने से पहले जब वैकेंसी 4545 था, पहले 4045 था नोटिफिकेशन में, उसके बाद फिर 500 वैकेंसी डिक्रीज हुआ, तब तक इसमें 43 वैकेंसीज का ऑलरेडी इंक्रीज है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी 43 वैकेंसीज इंक्रीज है, अभी BOB ने भी यहाँ पे 1000 वैकेंसीज वहां से भी ये क्या होगा, ऐड होगा, तो अगर दूसरा बैंक भी वैकेंसी अभी इंक्रीज करता है तो देन क्या होगा, इसका तो वैकेंसी 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन इस स्टेट का 49 इंक्रीज है, ये कट ऑफ है, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 43, तो कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा का कट ऑफ बिलो 40 देखने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हरियाणा का इस बार का जो कट ऑफ का रेंज मेरे हिसाब से 35-40 रहने का बहुत हाई चांस है, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी अच्छा खासा इंक्रीज होने का चांसेस है। सेम अगर मैं बोलूँ एमपी का अभी तक 4545 तक 84 वैकेंसी प्लस होकर रखा हुआ है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, जहां पर लास्ट ईयर कट ऑफ था 42। तो इस बार भी अभी BOB का भी वैकेंसी अगर इंक्रीज होता है, दूसरा बैंक का भी इंक्रीज होता है, तो इसका भी वैकेंसी 100% इंक्रीज होगा। तो इसका भी जो रेंज है 35-40 का बीच में ही लाई करेगा। सेम टू सेम राजस्थान केस में भी प्लस 40 होकर रखा हुआ है। मणिपुर, देखिए मणिपुर का, हालांकि इस बार मणिपुर का थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज है, अभी हम लोग बात नहीं करते हैं। अभी तमिलनाडु का भी देखिए, अभी आप लोग बोल सर 3 वैकेंसी इंक्रीज है, नो अभी तक 3 है, लेकिन उसके बाद जब रिमेनिंग वैकेंसीज आएंगे तो फिर से बढ़ेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव सिंबल है। यूके का भी देखिए कि यूके का भी हालांकि उतना वैकेंसीज नहीं आता है, लास्ट टाइम सिर्फ 19 वैकेंसीज आया था, जहां पे कट ऑफ था 41.18। इस बार आप लोगों का 7 वैकेंसीज के अभी तक इंक्रीज होकर रखा हुआ है, उसके बाद BOB का भी बाकी है एंड अदर्स बैंक का भी बाकी है। तो यूके का भी जो रेंज है, मुझे जो लगता है कि 35-40 का बीच में ही रहेगा। तो ये अगर आप ये स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। अभी देखिए, इसको छोड़ के रिमेनिंग जितना भी स्टेट है सबका वैकेंसी डिक्रीज हुआ है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट का अगर मैं वैकेंसीज का बात करूं, वो वैकेंसी मुझे लगता है कि बाद में वो फुलफिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बिहार का ही बात करता हूं, बिहार में लास्ट ईयर वैकेंसीज था 281, और इस बार जब नोटिफिकेशन आया तो अभी तक जो 4545 तक 210 वैकेंसीज ऑलरेडी है, ठीक है। अभी BOB का भी बाकी है, दूसरा बैंक अगर देखते हैं तो ये वैकेंसीज मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से थोड़ा सा ज़्यादा ही होने का चांसेस है, कमती नहीं होगा। तो अगर उसी रेंज में ही वैकेंसीज होता है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा सा बिहार का लास्ट ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। सेम टू अगर मैं बोलूँ गुजरात का, जब वैकेंसी आया था तो 304 वैकेंसीज था, ठीक है, 304 वैकेंसीज था। अभी
यहाँ पे ऑलरेडी 247 वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुका है, अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है गुजरात का भी ये मेकअप हो जाएगा। तो इस तरीके का मुझे ये स्टेट में नहीं पकड़ा हूँ, बिकॉज इस स्टेट का मुझे लगता है कि जब वैकेंसी इंक्रीज होगा तो इन ये स्टेट का क्या होगा, वैकेंसी वो बराबर हो जाएगा या थोड़ा ज़्यादा ही होने का चांसेस है। लेकिन ये स्टेट, ये यहाँ पे जो स्टेट मेंशन है, इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा होने का चांसेस या बराबर होने का चांसेस मुझे नहीं लगता, बिकॉज आंध्र प्रदेश में 132 वैकेंसीज लेस है। तो इतना वैकेंसीज मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। क्योंकि आसाम का अगर बात करूं तो यहाँ पे मोर देन 50% वैकेंसीज डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। महाराष्ट्र का बात करो, महाराष्ट्र में 245 वैकेंसी डिक्रीज है, उड़ीसा में 59 जो नियर बाई 50% है, तेलंगाना में 72, ये बहुत ज़्यादा है, ये मोर देन 60% वैकेंसीज डिक्रीज हो चुका है यहाँ पे। एंड वेस्ट बंगाल का अगर बात करूँ, मोर देन 50% वैकेंसीज क्या है, डिक्रीज हो चुका है। तो ये पॉइंट को अगर कंसीडर करता हूँ तो ये स्टेट में क्या होगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने का चांसेस है, ज़्यादा जाने का तो सर चांसेस है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे असम की ही बात करता हूँ, असम एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट नहीं है, आंध्र प्रदेश एक उतना ज़्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट नहीं है। लेकिन अगर मैं उड़ीसा का बात करता हूँ, वेस्ट बंगाल का बात करता हूँ, महाराष्ट्र का बात करता हूँ, ये एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है। लेकिन हालांकि असम एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट नहीं है, स्टिल यहाँ पे क्या होता है ना कि वैकेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ बाहर के बच्चे लोग आके बिहार से या वेस्ट बंगाल से बच्चे आके ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस बार का जब वैकेंसी डाउन हो चुका है तो बाहर से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके भी क्या होगा, रेशियो डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे इस बार कमती काम करेंगे। तो प्लस एंड माइनस करके असम का जो कटअप होगा, मुझे लगता है इस बार मोर और लेस लास्ट ईयर कंपेरिजन में ही थोड़ा सा मान लीजिए 40 प्लस माइनस 2 का रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। सेम अगर मैं आंध्र प्रदेश का बात करता हूँ, ये भी मुझे लगता है 40 प्लस माइनस 2, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि 42 प्लस माइनस 2 का रेंज में रहेगा, ठीक है। सेम अगर मैं तेलंगाना का बात करता हूँ, इसका मुझे लग रहा है कि नियर बाई 38 प्लस माइनस 2, क्योंकि अभी इस बार तेलंगाना का वैकेंसीज बहुत डाउन हो चुका है, तो अप्लाइड कैंडिडेट भी क्या होगा, कमती होगा, इसके बच्चे दूसरे स्टेट से जाकर अप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ें फैक्टर होता है, इसीलिए क्या होता है कि वैकेंसी ज़्यादा डाउन होने के बावजूद बहुत स्टेट क्या होता है, कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल। एंड रिमेनिंग स्टेट का अगर बात करूँ, जो स्टेट जैसे बिहार का बोल दिया, गुजरात का बोल दिया, इस तरह कई सारे स्टेट्स है जिनका वैकेंसीज लास्ट ईयर कंपैरिजन से अगर बात करूँ तो वो वैकेंसीज क्या है, वो मोर और लेस सेम ही है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप वैसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिनका वैकेंसी लास्ट ईयर कंपैरिजन में नियर बाई है या मेकअप हो जाने का चांसेस है, तो आप अपने स्टेट के साथ प्लस माइनस 2 कर दीजिएगा। अगर इंक्रीज होता है देन माइनस 2 का जैसा डाउन हो जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो प्लस 2 का जैसा इंक्रीज होने का चांसेस है। बिकॉज इस बार का अगर मैं एग्जाम लेवल का बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार का जो लेवल था लास्ट ईयर कंपैरिजन से थोड़ा सा आप देखने को मिला था, क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड है। कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर कंपैरिजन में इस ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तो मुझे वो नहीं लगता है, क्योंकि अगर जो बच्चे प्रिपेयर किए होंगे, जो बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में एनालिसिस किए होंगे, उसको ये पता होगा कि पेपर जो है मोर और लेस सेम ही था। इस बार का जीए ईजी था, लास्ट ईयर कंपैरिजन में लास्ट ईयर जीए टफ था, वही जीए एंड इंग्लिश को ही न्यूट्रल करने के लिए रीजनिंग एंड क्वांट थोड़ा सा टफ देखने को मिला, ठीक है, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा डुएबल था। तो यही है ओवरऑल एनालिसिस मेरे हिसाब से। रेंज का अगर मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 38 to 43 मेरे हिसाब से ये एक एवरेज क्या है, रेंज है, ये एवरेज रेंज मेरे हिसाब से रहना चाहिए इस बार में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था एंड अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।